हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रियंका गांधी को दिल्ली का बंगला खाली करने के लिए 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन इससे पहले बंगले पर हो गया है बवाल शुरू। कहानी शुरू होती है एक न्यूज एजेंसी की खबर से। खबर ये छपी कि प्रियंका के अनुरोध पर पीएम मोदी ने सरकारी आवास में रहने की मोहलत दे दी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने सुबह 9 बजे ट्वीट करके खबर को फर्जी बता दिया। ये गलत खबर है, मैंने ऐसी कोई सिफारिश सरकार से नहीं की। मुझे 1 जुलाई को बंगला खाली करने का नोटिस मिला, मैं 1 अगस्त तक 35 लोधी स्टेट का बंगला खाली कर दूंगी। 3 घंटे बाद 12 बजे इसी विवाद में कूदे शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनके विभाग का ये मामला है। हरदीप पुरी ने दावा किया कि सच्चाई खुद गवाही देती है। एक ताकतवर कांग्रेस नेता ने मुझे 4 जुलाई को दोपहर 12:05 पर फोन कर सिफारिश की थी कि 35 लोधी स्टेट बंगले को किसी और कांग्रेसी सांसद को दे दिया जाए, ताकि उसमें प्रियंका वाड्रा रह सके। इसे सनसनीखेज मत बनाइए प्लीज। जब आप अपात्र हो गए तब बंगले में बने रहने के लिए आप इस तरह की तिथियां घोषित करके और आगे बहाने क्यों ढूंढ रहे? मुझे इसका कोई उत्तर और स्पष्ट उत्तर उनका प्रतीत नहीं होता है। 1 घंटे बाद दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी ने फिर हरदीप पुरी को ट्विटर पर जवाब दिया। अगर किसी ने आपको कहा है तो मैं उनको फिक्र करने के लिए शुक्रिया कहती हूँ और आपके विचार का धन्यवाद, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलेगा। ना तो मैंने ऐसा अनुरोध किया और ना ही कर रही हूँ। मैं 1 अगस्त तक घर खाली कर दूंगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। 45 मिनट बाद ही हरदीप सिंह पुरी ने फिर से पलटवार कर दिया। जिस नेता ने मुझे और बाकी लोगों को फोन किया वो कांग्रेस में ऊंचे ओहदे पर है, वही राजनीतिक सलाहकार जो आपके परिवार की तरफ से बोलते और काम करते हैं, उनकी गुजारिश पर ही हमने बड़े मन से 2 महीने की मोहलत दी थी। आपसे अनुरोध है कि पहले अपनी पार्टी में ही मसले सुलझाएं, उसके बाद ही सार्वजनिक मंच पर भड़ास निकालें। हक जताना और पीड़ित दिखना दोनों बातें साथ नहीं हो सकती।